एक्सरसाइज 68 का क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग के पास और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, मेजर द एंगल्स इन इच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड से व्हिच पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। यहाँ पे एंगल्स जो है पेयर में दिया हुआ है, जोड़ा में दिया हुआ है और इसको बतलाना है कि ये कौन सा एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक बराबर है। तो यहाँ पे ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ लिख कर रखा है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको मापना है, माप के देखना है कि कौन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर ले लिया है, सबसे पहले इसको नाप कर देखते हैं ये कितना डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे इसको लाइन टू लाइन मिलाएंगे और ये देख रहे हैं हम लोग 30 और 40 के बीच में है, इसका मतलब है कि 35 डिग्री का ये एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 35 डिग्री और इसको फिर मापते हैं ये क्या है, और ये भी 35 डिग्री का आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ भी 35 डिग्री लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया। और इसको बी नंबर में इसको मापते हैं, ये तो देखने से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट है, ये 90 डिग्री का है और ये कुछ अलग है। तो यहाँ इसको माप लेते हैं, ये है, ये भी 35 डिग्री का ही है, 40 और 30 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 35 डिग्री का है। यहाँ पे 35 डिग्री लिख देते हैं, ये 90 डिग्री का है, देखने से पता चल रहा है, इसका मतलब है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पे नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, यहाँ पे नॉट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मैंने लिख दिया, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दो एंगल्स बना हुआ है इसको मापने से पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो यहाँ पे इसको माप लेते हैं कितना डिग्री का है ये, तो ये हो रहा है 140 डिग्री, एक फर्स्ट वाला जो है 140 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ 140 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे 140 डिग्री लिख दिया, यहाँ 400 डिग्री लिखा हुआ है। तो 400 डिग्री का एंगल होता ही नहीं है, लास्ट जो होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे माप लेते हैं पता चल जाएगा, और ये 140 डिग्री का ही एंगल है, दोनों मतलब इक्वल है। तो यहाँ पे 140 डिग्री लिख देते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसको हम लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ये है। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ एन होगा, बीच में एन होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। इस तरह से लिखकर हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही एक्सरसाइज 68 कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।